आज मैं आई हूँ झांसी के बहुत ही फेमस श्रीनाथ पाव भाजी और पुलाव सेंटर पे, जो काफ़ी पुराना है सदर बाज़ार में, और मैं बहुत लंबे टाइम से इनका पुलाव खाती आ रही हूँ। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। तो यहाँ डाला जा रहा है बटर, बहुत सारा बटर। तो भैया पूरा पुलाव बटर में ही बनता है क्या? हाँ, बटर में बनता है। ये जा रही है लाल मिर्च पाउडर, ये क्या पाव भाजी मसाला, और इसको अच्छे से मिलाया जा रहा है। कितने लोगों के लिए बना रहे हैं आप? अच्छा, ये 7-8 लोगों के लिए पुलाव बनाया जा रहा है, और इसमें डाल दिए गए अब उबले हुए कटे हुए आलू, साथ में जा रहे हैं शिमला मिर्च कटी और टमाटर कटा हुआ, और इसके साथ जा रहा है काफ़ी सारा पत्ता गोभी बारीक कटा हुआ, और ये है मटर उबले हुए, धनिया पाउडर, नमक, और इसको बढ़िया तरीके से अब मिक्स किया जा रहा है। बढ़िया, अभी से एकदम कलरफुल और टेस्टी दिख रहा है। और अब जा रहे हैं इसमें चावल। तो भैया चावल में क्या मिलाया आपने? हल्दी। चावल में हल्दी पाउडर और धनिया डाला गया है, ऑलरेडी बॉईल किए हुए चावल डाल दिए गए इसमें काफ़ी सारे, थोड़े से और चावल। तो आप कौन सा वाला चावल यूज़ करते हो? बासमती। तो बासमती चावल का यूज़ होता है तवा पुलाव बनाने के लिए, और बढ़िया तरीके से इसको उछाल उछाल के मिक्स किया जा रहा है। तो तवा पुलाव तो आपने बहुत जगह का खाया होगा, तो आप कभी झांसी आए तो श्रीनाथ का तवा पुलाव ज़रूर ट्राई करें। हम लोग बहुत बहुत सालों से खाते आ रहे हैं, जब भी झांसी आते हैं तो एक बार खा के ज़रूर जाते हैं। तो ये देखिए बढ़िया तवा पुलाव जो है बन के तैयार है। तो काफ़ी सारी क्वांटिटी में एक बार तैयार करके रख लिया जाता है, मतलब, और ऑफ कोर्स ये बहुत जल्दी इनका ख़त्म हो जाता है। तो ये देखिए पुलाव जो है बेसिक तैयार है, और अब करना है इनको सर्व। तो इसके लिए इन्होंने और बटर का देखिए बड़ा सा पैकेट लिया है, और ये गया बटर, और यहाँ पे एकदम फ्रेश अमूल बटर डाला जाता है, और बहुत सारा बटर डाला जाता है, और बस चावल को बटर में फ्राई कर दिया जाता है। ये क्या डाला भाई आपने? पाव भाजी मसाला थोड़ा सा और डाला जाता है, और अब पुलाव का इसमें अच्छे से दोबारा मिक्स किया जाता है। तो बस यही जो है सीक्रेट है इतने टेस्टी बटरी तवा पुलाव का, कि इसमें बटर दो बार डाल के और बहुत अच्छे से मसाला डाल के दोबारा से मिलाया जाता है। देख रहे हैं ना ग्लॉस चावल में, एक एक चावल खिला खिला अलग अलग, और एकदम ग्लॉसी, और बहुत बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है यहाँ पे। ये लीजिए हमारी प्लेट तो तैयार हो गई है, टेस्ट करके भी बताएंगे आपको कैसा है। तो ये देखिए लग रहा है ना कितना मज़ेदार, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बासमती राइस यूज़ किया गया है, बटर की क्वालिटी अच्छी है, और टेस्ट तो ऑफकोर्स मुझे पता है वैसे बहुत ऑसम होता है, फिर भी मैं खा के आपको रिव्यू दूँगी। बहुत ही टेस्टी है, बहुत अच्छे फ्लेवर्स हैं इसमें, बटर का ऑफकोर्स टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। तो अगर आप भी पुलाव खाने के शौकीन हैं तो आप श्रीनाथ का पुलाव झांसी आके ज़रूर खाइएगा, बहुत ही फेमस है, बहुत टेस्टी। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।